मुझे अंदर से पता लग रहा है पूरा शरीर गर्म हो गया। तीजे दादा नखरे कर रहा है, तूने भी बहुत सिर चढ़ा दिया इसको। नहीं तो सर क्या अभी मैं भी फ्रेशन अप हो गया हूँ, आज मंगलवार है तो मेरी आज छुट्टी है, तो आज मतलब फिर से छुट्टी है। अभी लेट उठाऊँ पापा तो ऑलमोस्ट खाना हो चुका है, पापा का पापा जा रहे हैं, मम्मी बस रेडी हो रही है, इधर उधर के काम वगैरह कर रही है। आज खाने में क्या बना है? पोहा। पोहा आज पोहा बना है, पोहा खाते हैं पहले फिर उसके बाद बाकी काम शुरू करते हैं। मेरा ब्रेकफास्ट आ चुका है, आज पोहा बनाया हुआ है और चाय है। पोहे के साथ चाय पता नहीं कौन पीता है, क्यों पोहे के साथ चाय पीते हैं? पक्का फिर ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज हो गया आज तुझे। मुझे ट्रस्ट इश्यूज हो गए। आज अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद आज हमने बड़ा सही सही प्लान करा है, रील्स बनानी है, हॉरर स्टोरी टाइम करने है, बहुत सब। क्या बोल रही हो दोबारा बोलियो? मनाली गए तो तब तुमने पोहे के साथ चाय ली थी। अच्छा और कुछ? तब नहीं हुआ ट्रस्ट इशू, बाहर वाले कुछ भी खिला दे वो सही है, घर पे जो मिल रहा है उसपे डाउट है। अच्छा खा लूं? मम्मी को पोहे के साथ वो भी चाहिए क्या? घिया की सब्जी, मम्मी की फेवरेट और पापा की भी। घिया की सब्जी नहीं बोलते, घिया भुर्जी। घिया भुर्जी मम्मी और पापा की फेवरेट है। घिया की भुर्जी और रोटी। और रूपाली की? रूपाली की क्या फेवरेट है? घी। अच्छा तू घी खा रही है? सब अलग अलग क्यों खा रहे हो? मेरा दलिया। क्या हो गया सबको? सब इतना अलग अलग क्यों खा रहे हो? शौक है बचपन से। कोई भी पापा पता नहीं क्या कह रहे थे, पापा ने घिया की सब्जी रोटी, घिया की भुर्जी रोटी। फिर ठीक है सब अलग अलग ही लगे। मैं अपना पोहा खा रहा हूँ। सैंडविच बना ले। कल बनाऊंगा सैंडविच, ठीक है? कल ऑफिस है। कल नहीं तो फिर कभी बना रहा है बस। किसी और दिन बना दूंगा, छुट्टी वाले दिन बना दूंगा। आज छुट्टी तो है, जब टाइम लगेगा तब बना दूंगा। अभी मैं मम्मी और रूपाली को मनी माजरा लेके जा रहा हूँ, रूपाली को भी शॉपिंग करनी है, मम्मी को भी। पता नहीं मैं नहाकर आया, पता नहीं अचानक ऐसा क्या हुआ, पूरी तबीयत ही खराब होगी, मैंने किसी को बताया नहीं, बट पूरी बॉडी लूज होगी, ऐसा लग रहा है मुझे बुखार आने वाला है, बॉडी में जान ही नहीं आ रही। अभी फिलहाल हम वेट कर रहे हैं कि अभी अन्नू एक वीडियो शूट कर रहा है, और वो वीडियो शूट करने के बाद हम जाएंगे बाहर घूमने, और पूरी प्लानिंग अभी तैयारियां चल रही हैं यहाँ पर शूटिंग की। वो बैठे हैं, भात दे दो। अभी हम रोनी का वेट कर रहे हैं, जैसे आगे फिर हम बनाएंगे अपना ये वीडियो बनाएंगे, फिर हम बाहर चलेंगे। मम्मी ये दो नीचे के बैठे हैं, क्या करने वाले हो? अब तुम्हारे को ना इशारे पे मिलेंगे सास बहू के सारी वीडियोस, जिसे देखना है तो आ जाओ जल्दी जल्दी, फिर देखना तो बाद में मत बोलना कि बताया बताया नहीं। रोने का वेट हो रहा है, आते ही शुरू कर देना है। वीडियो बन गया, अब बस हम निकल रहे हैं, सारे तैयार हो चुके हैं, देखो ये भी रेडी हो चुके हैं भाई, एक पीला पूरा और एक पूरा हरा। ठीक है चलो सीधे गाड़ी में मिलते हैं। एक हल्दी में जा रहे हैं, एक मेहंदी में जा रहे हैं। तो गाइस हम निकल रहे हैं और आज मैं और मम्मी करेंगे शॉपिंग। मैंने वो पायल ठीक करानी, पापा की चैन बदलनी है। अच्छा और तूने क्या करना है? मैंने बिछुए लेने हैं। बिछुए? अच्छा बिछुए लेने और ये सोना की वो पायल लेनी, वो भी ठीक करनी है। पर ठीक है चलो अभी पहले पार्किंग के लिए संघर्ष करते हैं, मनीवाज में पार्किंग नहीं मिलती, पार्किंग की बड़ी दिक्कत। पार्किंग मिलेगी उसके बाद तो आगे जाएंगे। यस आज तो मम्मी ऐसा लग रहा है कि पता नहीं किसकी मेहंदी में जा रही है, और रूपाली खुद ऐसी लग रही है जैसे पता नहीं किसकी हल्दी में जा रही है। कहाँ जा रहे हो अभी? यहाँ शॉपिंग करने के बाद तुम्हें कहीं जाना है? शादी शुद्धी में जा रहे हो? कलर कलर तो कुछ भी आ जाता है तो क्या करें? पर हर कलर तेरे ऊपर जचता ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो पॉसिबल नहीं माँ, हर कलर जच जाए ये कैसे पॉसिबल है? वही काम रूपाली के साथ तेरे सूट रोशनी मार रहा है। खुद भी तो हरा और पीला पजामा पहना। ये हरा पजामा मेरा बहुत फेवरेट है। खाली नाम लिया है इन्होंने कि सुनार पर जा रहे हैं, करने दूसरे काम लग गए अपनी शॉपिंग। बताओ गलती बंदों से पालना पड़ गया भाई। ज्वेलर के पास भी पहुंच गए, मैं अंदर नहीं बैठता, बहुत दिमाग से खराब करते हैं, परेशान करते हैं, ये दिखाओ और जो उनका पसंद कर लो कि हाँ ये वाला ठीक लग रहा है, वही इनको पसंद नहीं आता, इसलिए मैं नहीं जाता अंदर। वो बैठे हुए मम्मी और पाली वही कर रहे हैं अंदर बैठ के शॉपिंग। वो बैठे हुए ये नहीं मान रहे भाई, बाहर आए और फिर कुछ और देखने लग गए। चल लो भाई परेशान करके रख दिया, मानोगे नहीं तुम्हें लग रहा है अभी मैंने शुरू कर दी व्लॉगिंग, फिर बड़े एक घंटे से ऊपर हो गए यहाँ पर खड़े खड़े। वो बहुत थके पसंद क्यों नहीं कर रहे थे फिर? जल्दी जल्दी चलो, जल्दी कर लिया पसंद। अच्छा अभी भी हम घर नहीं जा रहे, देखो उसको कचौरी खानी है, वो शॉप पे खड़ी है। यहाँ रूपाली को बोलने आया था, मुझे भी लस्सी पकड़ा दी रूपाली ने। इन दो बंदों को मैं गलत ले आया,
भाई एक शॉप से जा रहे हैं दूसरे में जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये अपना ये ज्वेलर के पास आए थे काम कराने, और उसके बाद पता नहीं कौन से सूट वाले के पास, कोई कोई चोरी खाने रुक गया, कोई कहीं रुक गया, अब यहाँ बैठ गए, बस आ नहीं रहे हैं। माँ मैं तेरे से एक सवाल पूछने जा रहा हूँ, ठीक है? जो मैं बात बोल रहा हूँ उसमें तुझे कुछ गलत लगे तो मुझे बताइयो। आँखों का प्यारा अंकी मम्मी का दुलारा, अब इसमें कुछ गलत है? बिल्कुल भी नहीं। और अभी जब अन्नू रानी पूछते तब तू कहती तीनों बराबर है, और जब अकेले में होती तब तू मुझे बोल देती कि हाँ तू ही मेरा लाड ले। अभी भी लेने छोटी सी, तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या? इनको डर ही नहीं किसी चीज का, सताया हुआ है। चल फिर घर चलो, वो लेना तो ले लो, बाद में तुम मुझे बोलोगे इतना सब कुछ टाइम लगाने के बाद कि मैंने नहीं दिलाया। वहाँ पे भी है गांव में, उधर भी है घर। तुम अपनी मर्जी से जा रहे हो, मैं तो नहीं बोल रहा। मेरे पे इल्जाम नहीं आना चाहिए इतना सब करने के बाद संघर्ष, और आखिरी में बोलते कि क्या बोलते मैंने खरीदने टाइटल डालेगा बहू और सास ने मुझे तंग कर दिया। कर ही दिया, हम घर पहुंच गए। क्यों ले आया यार, पैसे वेस्ट करते हैं, क्या करना है, खाना पड़ेगा, पैसे वेस्ट नहीं कर सकते जबरदस्ती। ठीक है, अभी असली बात अब मैं बताता हूँ। मैंने कहा मेरी तबीयत खराब हो रही है, जैसे थोड़ा सा वॉमिटिंग वगैरह का मन भी हो रहा है ऐसे ऐसे, तो मुझे क्या कह रहे, कह रहे थे थोड़ी सी वॉक कर कर आ ताकि सारा का सारा एकदम से गायब हो जाए। मतलब भाई ये है, सबसे पहले उन्होंने मुझे पूछा भी नहीं कि अंकित खाएगा नहीं, जिस बंदे को उस बंदे के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। मम्मी से छुप छुप के खा रहे हैं। नहीं मम्मी खाए, फिर बुला लो मम्मी को भी खाना खाने। खा लिया उन्होंने खाना, खा लिया। और एक कचौरी सही है। मेरी इतनी तबीयत खराब होगी ना यार, मतलब पूरा शरीर ही टूट गया, ऐसे लग रहा बुखार आ रहा है, और इन्हों से मतलब सर पर हाथ लगाए कह रहे नहीं बुखार नहीं आ रहा, पर शरीर इतना ज्यादा टूट गया कि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही। खाने का मन कर रहा है पर हिम्मत नहीं हो रही कि कुछ भी ऐसा वैसा खाऊं कि जिससे और तबीयत खराब हो जाए। अच्छा है खा लो, नहीं मैं रेस्ट करूंगा, मैं नहीं खाऊंगा। तो गाइस हम आ गए थे और अंकी की बहुत ज्यादा अब तबीयत और खराब हो गई है। अंकी इसको ऑफिस के काम के लिए जाने के, मेरा 4 से 6 बजे मेरे एक ऑफिस का सेशन था जो सबके लिए मैंडेटरी था कि जो लगाना है, एक लर्निंग सेशन था वो अटेंड करना है, और मेरा एक मैं काम कर रहा हूँ उसके रिगार्डिंग में मुझे मीटिंग के लिए जाना था अभी बाहर, 4 बजे थी वो भी करना है, और मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई यार। मैं चली जाती पर मुझे पता ही नहीं है कुछ, मैं चल जाऊँ? सुबह से कुछ खाया भी नहीं ना, मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे बहुत ही ऐसा लग रहा है कि पावर खत्म हो गई शरीर में। नारियल पानी भी तो कुछ भी पी रहा हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है वॉमिटिंग आ रही है। इसको लग रहा है फीवर आ रहा है, पर फीवर ऐसे बाहर से नहीं आ रहा, शायद इसको अंदरूनी फीवर हुआ है। सर पर हाथ लगा के तो सब मना कर रहे हैं कि फीवर नहीं है, मुझे अंदर से पता लग रहा है पूरा शरीर गर्म हो गया। मेरे को अंदर से, मैं तो सुबह से बोल रहा हूँ कि मेरा ऐसा मुझे फील हो रहा है, जब हम गए थे तब भी मेरे को ऐसा लग रहा था कि अंदर से गर्म हो गया, वही कह रहा मेरे को फीवर आ गया, अंदर से पूरा शरीर गर्म था मेरा। तो गाइस अंकी की ज्यादा तबीयत खराब हो गई है, पर फिर भी ऑफिस लगा काम इम्पोर्टेंट है ना, और इसके लिए मैं सोचू कुछ बना देती हूँ अलग सा। खाएगा कुछ? खाऊंगा क्या? कुछ भी देते, फ्रूट्स देते या फिर कुछ चावल देते, कुछ सब्जी वगैरह डालकर। दाल तो है पर मैं तेरे को सब्जी वाला बना दूँ। हाँ, थोड़ा टेस्ट लग जाएगा तो खा लूँगा। ओके। यस। 2 मिनट रुक जा, बस 5 मिनट की मीटिंग रहेगी। मैं खिला देती हूँ। खिला दे। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऊपर जाता हूँ, स्टूडियो में बैठता हूँ और हॉरर स्टोरी टाइम अपना रीड करता हूँ, जो लोगों ने भेजे है ना मुझे, फिर उनमें से कोई नरेट करूंगा जो अच्छा लगेगा। तो गाइस खाना खा के अंकी ऊपर चला गया और पापा ने बोला कि उसको ओवरएस देना, तो मैं वो बना रही हूँ। एक तो वैसे चला नहीं जा रहा, ऊपर से नीचे बुला रहे हैं। बैठ ले रूपाली, सुन ऊपर ही चल ले, मेरे को स्टोरी पढ़ के सुना दियो। ये ओवरएस पी ले पहले कुछ। अरे मेरे मन नहीं कर रहा है, कैसा इतना घटिया, ये क्या कर रहे हो तुम? इसको ओआरएस दे रही हूं। अरे मेरा ये ओआरएस था और कुछ नहीं। क्या पी ले फटाफट, जबरदस्ती ज्यादा नखरे कर रहा है, तूने भी बहुत सिर चढ़ा दिया इसको। नहीं तो सर क्या ठीक, कितना गंदा है सर पे, क्या चढ़ा दिया माँ, ये ना पीने में और अच्छा ना कुछ। पी ले पूरा, पी उसको। नहीं 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 अभी बोला अभी पीना तो पड़ेगा। चल ऊपर चलते हैं, मेरे को स्टोरी पढ़ के सुना दे, मेरे से ना फोन में नहीं देखा जा रहा है। चल ठीक है, चल ऊपर चल माँ, मैं ऊपर जा रहा हूँ वीडियो बनाने। ठीक है पहले उसको पी ले, अभी मेरा मन नहीं कर रहा माँ, वो वैसे भी साथ लेके घूम रही है, वो दे देगी। चल मैं ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है आ जाओ पहले। अभी मैंने हॉरर स्टोरी टाइम भी शूट कर लिया है,
रोनी वगैरह सब सो गए हैं, रूपाली भी अभी भी नीचे आ गई, अनुप वगैरह भी सब सो गए, सारी लाइट्स मैंने ऑन करी हैं, ये भी सो गई, रूपाली क्या कर रही है, ये भी आ गई। भाई कसम से रूपाली इस चीज़ के लिए ना मैं ऑन कैमरा ही बोलता हूँ, पानी पी लिया ऐसे, मतलब पता भी क्या, पानी तो मैंने पी लिया पूरा जो ये लेकर आई थी, इसने गले में डाल दिया पूरा का पूरा। हॉरर स्टोरी भी मैंने शूट कर ली, मैं जैसे रात को शूट करता हूँ, आज से मैं फिर भी जल्दी आ गया, अभी 10:45 हो रहा है, बट कभी कभार मैं 12-12:30 बजे भी शूट करता हूँ और उस टाइम भी ये ऊपर होती है, तो ये चीज़ तो कितनी सही है ना कि मतलब मैं लेट भी हो रहा हूँ तो भी ऊपर है, मतलब मस्त है यार जो भी है। और अब थोड़ा सा तबीयत बेटर फील हो रही है तो ORS का पानी पीने के बाद। तो चलो फिलहाल अब मैं बैठ कर अपनी एडिटिंग करूँगा, जो भी मैंने वीडियो बनाया हॉरर स्टोरी टाइम, उसको एडिट करने के बाद सोऊंगा, तब तक रूपाली सो जाएगी। चलो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, एंड आई होप सबको मज़ा आ रहा होगा व्लॉग देखने में। अब मैं रेगुलर रहूँगा व्लॉग्स में, जो भी मेरा पूरा रूटीन होता है वो सब आप सबके साथ शेयर करूँगा। कल शायद मैं छुट्टी ले लूँ ऑफिस की, क्योंकि थोड़ी तबीयत खराब है तो ऑफिस से मैं शायद ऑफ ले लूँगा। तो मिलते नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय, टेक केयर।